बाजार में ताजे हरे मीठे मटर मिलने लगे हैं और मैंने पहले भी सर्दियों वाली अलग अलग तरह के पराठे की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम फुला फुला मटर का पराठा बहुत ही आसान तरीके से। जिस तरीके से मैंने स्टफिंग बनाना बताया है, आप ये स्टफिंग 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, फिर आप 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच में दे सकते हैं। इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि घर में जब भी मटर पड़ा हो तो आप यही पराठा बनाना पसंद करेंगे। आसान स्वादिष्ट मटर के हेल्दी पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप ताजे कच्चे मटर। मटर को छीलने के बाद मेजरिंग कप से 2 कप है। तो मटर पराठा बनाने के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए चटनी जार में डालिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ। तो मसाले बहुत कम है, ठीक से पिसा नहीं पाएगा, फिर भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो पल्स मोड पे यानी कि 2-2 सेकंड पे मिक्सी रोकते हुए पीसा है, तो देखिए कितने अच्छे से दरदरा हो चुका है। तो मटर ज्यादा है इसलिए हम 2 बार करके पीसेंगे। तो दोस्तों आप बड़े जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल दीजिए 2 से 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां। मटर में बहुत पानी होता है, बिना पानी डाले पीस लीजिए। पीस लिया है तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा बारीक ही पीसा है, ताकि जो भी मसाले पहले डाले थे वो और बारीक हो जाए। बाउल में निकाल ले और बाकी के जो मटर है इसे वापस से चटनी जार में डालिए और इस बार हम दरदरा पीसेंगे। और दोस्तों मैंने पीसने से पहले ना मटर को धो लिया है और छन्नी पे रख दिया था। तो देखिए इस बार दरदरा पीसा है पल्स मोड पे। अब पराठे का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। मटर का पराठा बना रहे हैं इसलिए हींग जरूर डालें 2 चुटकी। 1/2 टीस्पून जीरा फिर से डालें। तो जैसे ही हल्का सा तड़के फ्लेम कम कर दीजिए और डाल दीजिए 2 चम्मच बेसन यानी कि 2 टेबलस्पून। मिला लीजिए तो बेसन डालने से मटर का जितना भी गीलापन है उसे सोख करेगा और पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून नींबू का रस। हरी मिर्च डाला है इसे, लाल मिर्च मैं 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ। आप मिर्ची और भी ज्यादा डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर फिर से मिला लीजिए। तेल में बेसन को 1 मिनट के लिए भून लिया है और अब डाल दीजिए इसमें मटर जो हमने अभी पीसा है और अब फ्लेम को मीडियम कर दे और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर ले। तो इसमें धनिया सौंफ जीरा जो पीस के डाला है वैसे डालने से पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथ में आप साबुत लाल मिर्च भी पीस सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में स्टफिंग तैयार हो जाएगी। 1 मिनट के बाद 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती डाल दें और मिला लें। तो बेसन डालने से बहुत ही तेज़ी से ड्राई हो जाएगा। और दोस्तों अगर मटर पीसने में 1-2 साबुत मटर आपको दिखे ना तो चम्मच से इस तरीके से दाब के 2 टुकड़े कर लीजिएगा ताकि पराठे बिल्कुल भी ना फटे। तो देखिए कलर कितना बढ़िया आया है और पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। 3 मिनट में हमारा मटर का चटपटा मसाला बन के तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। अब मसाले को प्लेट में निकाल लीजिए और अच्छे से ठंडा होने दें, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के लिए 1 बाउल में डालिए 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डाल दें और थोड़ा सा नमक भी मिला लें। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। तो डो अगर टाइट होगा ना तो पराठे फट भी सकते हैं। तो देखिए आटे को गूंथ लिया है, बहुत ज्यादा मलने की जरूरत नहीं। और अब 1 छोटी चम्मच ऊपर से ऑयल डालिए, मिला ले। टोटल हमने 2 कप आटे में 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। डो को रेस्ट पे रखने से भी पराठे सॉफ्ट बनते हैं। 10 मिनट हो चुका है, आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम एक बार डो को चिकना कर लेते हैं करीब 1 मिनट। तो देखिए बहुत सॉफ्ट हो तैयार हो गया। और अब हम पराठे बनाने के लिए एक बॉल तोड़ लेते हैं, हाथों से गोल कर ले और अब सूखे आटे में लपेटते हुए हल्का सा हम बेल लेते हैं, बस इतना सा। और अब हाथों में उठाते हुए इस तरीके से बीच में मोटा करते हुए और इस तरीके से दाबते हुए हम कटोरी की तरह बनाते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। देखिए मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ। फैलाने के बाद मटर की स्टफिंग डालिए, तो मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है
हल्का सा इस तरीके से दबाव दे दें और अब हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं, हाथों से दबाते भी जाएं और धीरे धीरे जैसे हम मोमो के लिए कवर करते हैं ना, वैसे समेटते हुए कवर कर लीजिए और ये जो ऊपरी का भाग है इसे तोड़ के हटा लीजिए। तो ये हमारा सील पैक हो गया और इसे दबाते गोल कर लें। कितने अच्छे से सील पैक हो गया है और अब सूखे आटे में फिर से लपेट लें। जिस तरफ सील पैक किया था इसे नीचे रखें और हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लें और अब हम बेलेंगे। बेलते हुए फैलाएं, तब तक बेलिए जब तक आपको ऊपर से मटर दिखने ना लगे। तो पराठे खाने का असली वजह सर्दियों में ही है, तो आलू के पराठे, मेथी के पराठे, गोभी के पराठे और मूली के पराठे मैंने पहले भी बताए हैं, तो इस मटर के पराठे को भी ज़रूर बनाइए। देखिए कितनी आसानी से बेला रहा है और कोने कोने तक स्टफिंग जा रही है। जितना पतला हो सके उतना पतला बेले। तो मैं आपको पीछे से एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कहीं से फटा नहीं है। प्लेट में उठा लें तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक बड़ा सा बॉल लीजिए, सूखा आटा लगाते हुए आप इस तरीके से भी कटोरी बना सकते हैं। तो देखिए इतना आसानी से बन रहा है। और अब 2 चम्मच स्टफिंग डालिए, स्टफिंग अच्छे से भरिए, हाथों से दाब लीजिए और दाबते हुए हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए सील पैक करेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। देखिए कितने अच्छे से खुद सील पैक हो रहा है, घुमाते जाए और ऐसे दाबते जाए। तो देखिए पोटली जैसा बन गया है। ऊपरी भाग तोड़ लीजिए और इसे चिपका दीजिए, हाथों से दाब लें। और अब हम सूखा आटा लगाते हुए हल्का सा फैला लेते हैं और हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो देखिए दूसरा भी पराठा बेल के तैयार है, अब हम सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया, तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम लो कर दीजिए और जिस तरफ स्टफिंग दिख रही है ना इसे नीचे की ओर रखें। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। 30 सेकंड सेक जाने के बाद उलट लें। तो देखिए हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दें और जब आधा पक जाएगा ना तो इस तरीके से किनारों किनारों से हल्का हल्का दाबिएगा। 1 मिनट पराठे को सेक लिया, आप हल्के हाथों से किचन टावल से भी किनारों से दाब सकते हैं ताकि कच्ची कच्ची ना रहे। और अब अपने श्रद्धा अनुसार ऑयल या घी लगाइए और जैसे लगाए ना फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि पराठे फूलने में मदद मिल सके। अब हम स्पैचुला डाल के उलट लेते हैं। देखिए जैसे उल्टा है वैसे ही पराठा फूलने लगा है। अब दूसरी तरफ से भी हल्का सा घी लगा लें, अब उलट लें। तो देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प हुआ है। पराठे को प्लेट के ऊपर रखिए ताकि भाप से गीला ना हो। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। जिधर स्टफिंग है ना उसे नीचे रखें, उलट लें। तो पीछे से सिक चुका है, फ्लेम हाई कीजिए। देखिए तो डालते के साथ पराठा फूल गया है, पीछे से सिक चुका है, उलट ले, प्लेट में निकाल लीजिए। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म बहुत स्वादिष्ट मटर का पराठा। तो मैंने 4 पराठे बनाए हैं। जितनी स्टफिंग हमने बनाई है उसमें आपके आराम से 500 ग्राम आटे का पराठा बन जाएगा और 2 कप आटे में आप 8 पराठे बना पाएंगे। तो सारे पराठे फूले फूले क्रिस्पी बने हैं और काफी नरम मुलायम है। स्टफिंग बगल में रखी है तो इस स्टफिंग में हमने प्याज नहीं डाला है, इसलिए आप आराम से 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फटाफट ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच में दे सकते हैं। तो देखिए बहुत नरम मुलायम पराठे बने हैं और कितने सॉफ्ट है और बहुत मोटे भी नहीं है, अच्छे से कोने कोने तक पका है। तो अब मैं आपको पराठे की स्टफिंग दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से भरा हुआ है कोने कोने तक। एक बार जरूर ट्राई कीजिए।